हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसएम की गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको अपनी लेमन ग्रास की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है मेरी लेमन ग्रास जो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कई बार इसकी कटिंग कर ली है, जिसकी वजह से ये ऊपर की इसकी कुछ पत्तियाँ सूख गई है। तो आज मैं उन सबको कट कर दूंगी, और नीचे से भी जो इसकी नई नई ब्रांच निकल रही है और जो पुरानी ब्रांच है उनमें कुछ पत्तियां नीचे से सूख गई है, उनको भी मैं आज हटा दूंगी, जिससे ये नीचे से हरी हरी दिखाई देगी और ये सूखी पत्तियां इसमें दिखाई नहीं देगी। एक बार पहले भी वीडियो में मैंने आपको इसकी पूरी साफ सफाई करके दिखाई थी। अपनी लेमन ग्रास को मैंने पूरा साफ कर दिया था, जो इसकी सूखी हुई पत्तियां और टहनी थी वो मैंने सब हटा दी थी। वैसे ही आज भी मैं इसकी सारी सूखी हुई पत्तियां हटा दूंगी और ये काफ़ी सुंदर लगेगी। जैसे ऊपर से भी मैंने इसकी जो पहले कटिंग कर ली थी, वो ऊपर ऊपर की पत्तियां कुछ सूखी सूखी सी हो गई है, उनको भी मैं ऊपर से कट कर दूंगी, और जो इसमें नई पत्तियां निकली हुई हैं वे काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी पत्तियाँ हो गई है, इसलिए आज मैं इसको पूरा इकसार कर दूँगी। और इकसार करने के बाद ये काफ़ी अच्छी लगेगी और सुंदर भी दिखाई देगी। और कट करने के बाद जो कटिंग की हुई पत्तियां हैं उनको मैं फेंकूंगी नहीं, बल्कि चाय में उसका यूज करूंगी। जैसे दोस्तों, हम चाय बनाते हैं तो उसमें 2 से 3 पत्तियां हम इसकी डाल सकते हैं, और चाय में काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। जैसे नींबू डालने पर चाय में खुशबू होती है, वैसे ही लेमन ग्रास की भी खुशबू अच्छी आती है। और ये देखिए, मैंने धीरे धीरे इसकी पूरी सफाई कर दी है, और ये देखिए मैंने कुछ सूखी हुई पत्तियां इसकी हटा दी हैं, ये ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी। और ये देखिए, ये मैंने इसकी ऊपर ऊपर की कटिंग कर दी है, जो नई पत्तियां निकली थी और कुछ पुरानी मैंने सभी को कट कर दिया है। अब जैसे ही बारिश आएगी ये पूरा दोबारा से फूटना शुरू हो जाएगी, और ये गमला फिर से दोबारा भर जाएगा, और इसमें नई नई पत्तियां भी निकलना शुरू हो जाएगी, जिससे ये गमला बिल्कुल ही हरा भरा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।